अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्वयं रिव्यू 3.0। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपका भाई आपके लिए एक बिगेस्ट मूवी लेके आया है, जिस मूवी का नाम है टेन ऑफ थीव्स। ये 2018 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इंग्लिश डब में। किसी ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। जिन्हें उर्दू में देखनी पसंद है उनके लिए ये फिल्म बेहद ही बेहतरीन है। जो मूवियों में सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन और रोबरी टाइप चीजें लाइक करते हैं ना, उनके लिए समझ लो कि ये एक तोहफा। डैन ऑफ थीव्स नाम का इसमें लीड करेक्टर प्ले किया है जनाब जिराड बैटलर ने, जिसे आपने गॉड ऑफ इजिप्ट में, एंजल एस फॉलन की सीरीज में, लंदन एस फॉलन की सीरीज में आपने देखा होगा। इस मूवी में इस बंदे ने हक अदा किया है एक्टिंग का। खैर, इस मूवी में वो उसने रोल प्ले किया है पुलिस का। हम फिल्म में बात करना चाहते हैं कि फिल्म की स्टोरी बेस है रॉबरी पे बनी हुई है, और रॉबरी में कई बंदे इसे आके बेखुदा आके तंग करते हैं। और खैर, ये वहां का पुलिस वाला होता है, समझो कि जैसे पाकिस्तानी SHO, ये भी वहां का SHO होता है। तो जनाब ने उन्हें इतने तरीके से पकड़ा ना कि उनकी भी सोच नहीं होती कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पकड़ता। लेकिन हम बात करते हैं इस मूवी में अच्छा क्या था और बुरा क्या था। पहली बात हम बात करते हैं इस मूवी में अच्छा क्या। इस मूवी में अच्छा हुआ ये था कि इस मूवी की डायरेक्शन, इस मूवी का स्क्रीन प्ले, इस मूवी में हीरोज की और सपोर्टिंग कैरेक्टर की एक्टिंग, और इस मूवी में म्यूजिक। और जो इस मूवी में म्यूजिक दिया हुआ है ना इन्होंने, गन्स का और गन्स की वेपन्स की गोलियों का, वो भी बड़ा शानदार। और इस तरह इन्होंने, जिस तरह फिल्म डायरेक्टर ने जिस तरह इन गोलियों की शूटिंग को फोकस किया, और गोलियों की आवाज को, और गोलियों का जो एक्शन है, गन्स का और वेपन यूज का एक्शन वो दिखाया गया, वो भी सुपर किस्म का। आपको पूरी फिल्म में समझ लो कि 1 घंटे 45 मिनट कुछ सेकंड्स की मूवी है, आप 1 घंटा 45 मिनट के कुछ सेकंड में आप बोर नहीं होने वाले, क्योंकि पूरी फिल्म को एक सीक्वेंस के हिसाब से चलाया गया। और बात करना चाहूँ मैं इस मूवी के म्यूजिक की, और इस मूवी का म्यूजिक भी बड़ा शानदार है। अब बात करते हैं इस मूवी में बुरा क्या था। बुरा ये था कि इस बंदे की जो पुलिस वाले के ना, इसकी लाइफ स्टोरी दिखाई है कि ये से डिवोर्स हो जाता है। ये खैर मुझे खैर इसमें ये चीज बताना ओवर सी लगेगा, क्योंकि बॉय मूवी बेस्ड थी एक रोपड़ी पे। ये जो इसका अपना पुलिस वाले का अपना रियल लाइफ जो बायो दिखाई है ना जिराड पैटल की, ये जरा मुझे बेकार सी लगी है। और उसके बाद जो इस फिल्म में डायरेक्टर है क्रिस्टीन, यार इस बंदे को मैं तालियां देना चाहता हूँ। इस बंदे ने हक अदा किया फिल्म बनाने का। इस मूवी को मैं अपनी तरफ से जाती तौर पे रेटिंग देना चाहता हूँ 7 रेटिंग, बहुत बेस्ट है। 10 में से 7 रेटिंग दूंगा इस मूवी को। और उसके बाद ओवरऑल बात करो, सब ने बहुत लेवल की एक्टिंग की है, और ऐसा फील नहीं आपको। और जो इस मूवी में मैंने नोटिस किया, अगर ये गन्स चलाते हैं ना, तो गन्स में इन्होंने इतनी को लेवल किस्म की गन चलाई है ना कि रोबड़ी भी करते हैं और इंतहा लेवल की करके दिखाते हैं यार ऐसे नहीं। खैर आपको छोटा सा सीन बताता हूँ कि एक गाड़ियों को ना एक लाइन में खड़ा कर देते हैं 10 से 12 गाड़ियां, जो जिसमें ट्रैफिक जैम हो जाता है, और गाड़ियां वहां में चोर साहब बाहर निकलते हैं, थीव्स बाहर निकल के वहां इनका मुकाबला होता है पुलिस वालों के बाद। और वहां जो गोली चलती है, आपने रियल लाइफ में तो मैं भी ऐसा सोना सुना हूँ, लेकिन इस मूवी में जो गोलियों की धमाक है वो था था था, जो 15-20 मिनट की गोलियों की आवाज़ें सुनने में मतलब ना अखीर ही चस आ जाता है। मतलब कि वो सीन बड़े लेवल का सीन है। आपके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको वो मूवी और उस मूवी में क्या अच्छा और क्या बुरा लगा। इसी तरह अपने भाई को इजाजत दें, मिलूंगा नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में, नेक्स्ट सीजन के रिव्यू में, और नेक्स्ट किसी बिगेस्ट चीज के साथ। अब तक के लिए इजाजत दें मुझे, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चीज भी हाथ में आती है ना, जो चीज भी हाथ में आती है वो सिर्फ सब्सक्राइब पे जाके टक करती लगा देनी है। और ताकि सब्सक्राइब का जो दबाने के बाद ना आपको एक फील सी क्रेज, और मुझे आएगा मजा, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, और 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट के बाद अल्लाह खैर करे आपका बंदा आ जाएगा वीडियो की टाइमलाइन में। और टाइमलाइन में आने के बाद आप मुझे और बेहतर तरीके से रिस्पांस मिलेगा, और मैं और बेहतर तरीके से वीडियोस को बनाऊंगा, और आपको भी आएगा मजा, और मुझे तो आना ही है मजा। और उसके बाद बेल की आइकन की घंटी को ऐसे दबाना है जैसे आप अपने दोस्त की बिस्ती करने के बाद उसकी घंटी बजाते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।